एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और ब्यूटी रिलेटेड रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करूंगी जो आपकी फेस प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करेगा। गर्मियों में क्या होता है कि रेडनेस का मसला होता है, एक्ने का, पिगमेंटेशन का होता है, पिंपल्स का मसला हो जाता है, स्किन डल हो जाती है, टैनिंग हो जाता है, ये सब मसले हमें समर में होते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक कूल सा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी रेडनेस, टैनिंग, सनबर्न, इन सब चीज़ों को रिमूव करेगा, पिंपल्स वगैरह, डर्ट पोल्यूशन को भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो अब हम अपनी रेमेडी से स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी साथ ही साथ में बताती जाऊंगी। तो चलिए रेमेडी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने अपना बर्तन ले लिया है जिसके अंदर हम अपनी रेमेडी को बनाने वाले हैं। सो जो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी यहाँ प्लेट में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं। सो मैं अब साथ साथ डालती जाऊँगी इन्हें अपने इस बर्तन में एंड आप लोगों के साथ जो है शेयर भी करती जाऊँगी कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारी स्किन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो है बेसन। बेसन मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 स्पून, देखिए 1.5 स्पून मैं इसके अंदर ग्राम फ्लोर ऐड कर रही हूँ। एंड अब मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ कि ग्राम फ्लोर के क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे फेस के लिए। ठीक है, ग्राम फ्लोर जो है टैनिंग रिमूव करता है, डेड स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जो हमारे फेशियल हेयर्स होते हैं, फाइन फेशियल हेयर्स, उन्हें रिमूव करता है, और ये जो है हमारे एक्नी इन्फेक्शन से भी ट्रीट करता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे कर्ड। तो मैं यहाँ पर यही 1 स्पून देखें कर्ड का ले रही हूँ, देखिए मैंने ले लिया है इसके अंदर कर्ड। आप चाहें अगर आपको और ज़रूरत है तो आप और ले सकते हैं इसका एक अच्छे से फेस पैक बनाने के लिए। अब मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। कर्ड हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग सप्लाई करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है प्रॉपरली अच्छे से, और वहीं पर ये जो है हमारी स्किन की केयर करता है एक्स्ट्रा ग्रीसीनेस ऑयली स्किन के लिए, और ये इफ़ेक्ट मतलब काफ़ी सारी स्किन के लिए अच्छा है, पिंपल्स के लिए अच्छा है, एक अच्छा सा ट्रीटमेंट है, घर पर ही आप अपने चेहरे पर कर सकते हैं, इसके इतने बेनिफिट्स हैं। मॉइस्चराइजिंग में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ हल्दी, जो कि मैं पिंच, बिल्कुल पिंच ऐड करूँगी क्योंकि हल्दी आपके फेस को कलर दे देती है। तो मैं सिर्फ देखें पिंच मैंने इसके अंदर ऐड किया है हल्दी, बस मैंने ये ऐड किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी के क्या बेनिफिट्स हैं। जो टर्मरिक है इसके अंदर पाई जाती हैं हल्दी में इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज प्रॉपर्टीज़, जो कि आपकी पोर्स को काम रखते हैं, आपकी स्किन को काम रखते हैं, आपकी जो है टर्मरिक आपकी स्किन से स्कार्किंग को रिड्यूस करती है, एक्नी के लिए अच्छा है, या आपके फेस को जो है एक्नी ब्रेकआउट से क्लियर कर देती है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हल्दी। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ हनी, नेचुरल हनी। ठीक है, आप कोई सा भी दे सकते हैं जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है। हनी थोड़ा सा आपको स्टिकीनेस प्रोवाइड कर सकता है पर इसके फ़ायदे भी उतने ही हैं। तो मैं 1/2 स्पून ऑफ हनी ऐड कर लेती हूँ, ये देखें बस इतना सा हमने इसके अंदर हनी ऐड कर लिया है। अब मैं आपको जो है हनी के कुछ, जैसे मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ ही साथ बता रही हूँ, वैसे मैं आपको जो है बेनिफिट्स ऑफ हनी के भी आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ। ठीक है, कि इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं आपके फेस के लिए। सो हनी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हनी में आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। अच्छा, जितने भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं ना इंग्रेडिएंट्स, वो सब आपको मॉइस्चराइजिंग में हेल्प करते हैं, जो कि आपके फेस के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आपके हनी जो है आपके फेस को मॉइस्चराइज रखेगा, पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है हनी। देन ये एक नेचुरल स्किन रेमेडी है जो कि रिवीट आपकी स्किन रेमेडी है। इसके अंदर है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी स्पेटिक एबिलिटीज़ हैं इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है ऑयल के, और तो और ये आपके एक्नी पोर जो स्किन है उसके लिए भी हेल्प करता है हनी। एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट भी है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी हनी की वजह से। तो ये थे इन सब के बेनिफिट्स। अब फटाफट इसे मिक्स कर लेते हैं।
तो गाइज ये रहा हमारा पेस्ट, ये देखें आप कितने अच्छे से रेडी है। आप चाहें तो इसमें और कर्ड भी ऐड कर सकते हैं, बट इसका टेक्सचर इतना क्रीम और इतना अच्छा कि ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें कर्ड की। बट हाँ, आप अगर कोई इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम है तो आप उसे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। यह आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडनेस को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को ठंडा रखेगा, आपकी स्किन से इन्फेक्शन जो एक्नी कोज करते हैं उनको ख़त्म करेगा, पिगमेंटेशन से फाइट करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। ये मास्क सन टैन सनबर्न में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, तो गर्मियों का एक काफ़ी ज़्यादा सुपर पावर मास्क है। तो आप इसे ज़रूर अपने चेहरे पर अप्लाई करें एंड रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप कमेंट्स पे भी शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फेसबुक और इंस्टा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहाँ पर जाके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। और मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ और बेहतरीन रिजल्ट्स इसके आपको देखने को मिलते हैं। सो गाइस ये था मेरा वीडियो आज का, आई होप आपको पसंद आया। पसंद आया तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।